मुख्यमंत्री जयराम रमेश, हजारों पंच और सरपंच भी होंगे शामिल। नमस्कार, अपने अभी के इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं राहत खान। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री जयराम रमेश आज एक दिवसीय दौरे पर सिवनी आएंगे, जहां वो पंचायती राज सम्मेलन कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। इसके साथ ही जयराम रमेश का आदिवासी बाहुल्य कुरई विकासखंड के गांव में दौरा कर वहां चल रहे मनरेगा और केंद्र सरकार की दूसरी योजनाओं के क्रियान्वयन की जानकारी भी लेंगे। वहीं केंद्रीय मंत्री के दौरे को लेकर आज प्रदेश के कई मंत्री और कांग्रेस के नेताओं का भी सिवनी में जमावड़ा लगेगा। आज के कार्यक्रम को लेकर प्रशासन तैयारियों में जुटा है। इस कार्यक्रम में जिले के हजारों पंच और सरपंच भाग लेने वाले हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे सहयोगी सुनील अंजोरिया से। सुनील, आज केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री पहुंचेंगे सिवनी, सबसे पहले आपसे पहुंचेंगे, क्या कार्यक्रम रहेगा और कब तक पहुंचने की उम्मीद है? जी राहत, मैं आपको बता दूं, ये तो पूरा आयोजन जिला पंचायत आयोजित कर रहा है और ये तो पूरा ऑफिशियल आयोजन जो प्रशासन की ओर से जारी किया गया। तो लगभग 2:30 बजे पॉलिटेक्निक ग्राउंड में ये पूरा आयोजन प्रारंभ होना, लेकिन इससे पहले जो कि केंद्रीय पंचायत मंत्री जयराम रमेश जी वो फ्लाइट से दिल्ली से सीधे नागपुर एयरपोर्ट पहुँचेंगे और वहाँ से बाय कार वो नागपुर के रास्ते होते हुए खाबासा और पूरे विकासखंड पहुँचेंगे। जिले में प्रवेश करते ही आदिवासी बोली जो पूरे विकासखंड है वहाँ पर कुछ गाँव में वो जाएंगे और केंद्र शासित जो भी योजनाएं, जो केंद्र की योजनाएं चाहे मनरेगा हो, चाहे DRDO, चाहे अन्य योजनाएं, उन सभी योजनाओं की समीक्षा करेंगे, ग्रामीणों से मुलाकात करेंगे। जी रात जी, ग्रामीणों से मुलाकात करेंगे, केंद्र की योजनाओं का जायजा लेंगे, किस तरह के इंतजाम किए गए, क्योंकि खुद केंद्रीय मंत्री पहुंचेंगे और जो ये दोनों मनरेगा कार्यक्रम जो है कहीं ना कहीं इसमें आए दिन ऐसी बातें सामने आती रहती है, तो कहीं ना कहीं तैयारियां की गई होंगी, अधिकारियों में हड़कंप की स्थिति होगी। एक सप्ताह से जब से केंद्रीय मंत्री का पूरा शेड्यूल जिले में आया है तब से प्रशासन लगातार इस पूरे कार्यक्रम की तैयारियों में जुटा हुआ, हर चीज को काफी बारीकी से देखा जा रहा है, काफी मॉनिटरिंग की गई है। पिछले 2 दिनों से लगातार जिले का प्रशासन जो है आदिवासी बाहुल्य पूरे विकासखंड जहाँ की मंत्री जी के दौरा संभावित है वहाँ जाकर सभी कार्यो को अपनी तरफ से देख रहा है, सभी बारीकियों को जांच रहा है। साथ ही पंचायत में मंत्री के बारे में ऐसा कहा जाता है कि वो कहीं भी अनायास ही पहुँच कर सर्वे इंस्पेक्शन करते हैं, क्योंकि आपने ठीक कहा कि मनरेगा जैसी योजनाओं पर निश्चित तौर कई बार उनके क्रियान्वयन पर सवाल खड़े होते हैं। तो अधिकारी यही चाहते हैं कि जब मंत्री आए तो जिले में सारी चीजें ठीक ठाक लगे, उन्हें लगे कि वाकई में केंद्र की योजनाएं जो है यहाँ बेहतर ढंग से क्रियान्वित हो रही है। तो कुल मिलाकर प्रशासनिक अधिकारी के चेहरे पर भी चिंता की लगी है कि कहीं मंत्री जी को कहीं ऐसी कोई चीज नजर न आए जिसकी वजह से उन्हें उद्घोषणा कर सकते हैं। जी राज, क्योंकि केंद्रीय मंत्री पहली बार सिवनी आ रहे हैं तो ऐसे में माना जा रहा है, क्योंकि पहले से तो कोई अधिकृत उनकी कोई घोषणा का कोई प्रोग्राम यहाँ नहीं है, ना ही कोई जनप्रतिनिधियों ने इस बारे में कोई मांग की है, लेकिन अब आगे देखने में आए हो सकता है कि मंत्री जब मंच पे पहुंचे और उपस्थित जन समुदाय या स्थानीय जनप्रतिनिधि मांग पर वो कुछ घोषणा कर पाए। जी, उम्मीद की जा रही है कि शायद कोई नई सौगात यहाँ पर लोगों को मिलेगी। आज 2:30 बजे पहुंचेंगे केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री जयराम रमेश, साथ ही मनरेगा और केंद्र सरकार की योजनाओं का जायजा लेंगे कि आखिर कैसे क्रियान्वयन हो रहा है इन सभी योजनाओं का। धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए।